सुजानपुर नगर परिषद की बैठक अध्यक्ष अशोक मेहरा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोई भी जरूरतमंद पात्र परिवार होगा उसे बीपीएल परिवार में शामिल किया जाएगा। बैठक में ईओ संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड नंबर 7 में एक कमरे का निर्माण किया जाएगा जिसमें प्लास्टिक का भंडारण किया जाएगा। सुजानपुर नगर परिषद की बैठक अध्यक्ष अशोक मेहरा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोई भी जरूरतमंद पात्र परिवार होगा उसे बीपीएल परिवार में शामिल किया जाएगा। बैठक में विकास कार्यों पर चर्चा की गई और कई प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में निर्णयों के बारे में नगर परिषद के ईओ संजय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि वार्ड नंबर 7 में एक कमरे का निर्णय किया जाएगा जिसमें प्लास्टिक का भंडारण किया जाएगा। नगर परिषद के लोगों से प्लास्टिक 75 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। साथ ही निर्णय लिया गया कि टैक्सी स्टैंड के स्थान को भी पक्का किया जाए, इसके बाद बजट का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही शहर में शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। वहीं वार्ड नंबर 2 में मुख्य बाजार को जाने वाले रास्ते और नोहन मार्ग को पक्का करवाने के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। पौड़िया मोहल्ला की सड़क को भी दुरुस्त किया जाएगा। जो हमारे पास बिल्कुल ठीक नक्शे थे वो 5 थे, वो नगर परिषद द्वारा पारित कर लिए गए हैं। और कुछ जो है अभी क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है तो ऑनलाइन सिस्टम में जो खामियां थी तो वो संबंधित आर्टिटेक्ट्स को जो है रिवर्ट किया गया है कि उनमें करेक्शन करें। कल की बैठक में 5 नक्शे जो है हमारे ग्रुप में चर्चा तो नहीं, लेकिन नियमित रूप से हम इसमें जैसे कोई पॉलिथिन प्लास्टिक फेंक देते तो उसको हम रेगुलर रूप से उठाते हैं। चलो ये मुद्दा फिलहाल डिस्कस नहीं हुआ। अगर आपने ध्यान लाया तो आगामी बैठक में पिछले कल हुई है उसमें सबसे मेन मुद्दा हमारा सफाई व्यवस्था के ऊपर था, जिसमें सफाई के लिए जो हम अतिरिक्त 10 सफाई कर्मचारी रखेंगे और वो जो है ठीक है आउटसोर्स बेसिस पे होंगे, उसका जो अटेंडर किया जाएगा। और जहाँ पर भी ये भी निर्णय हुआ कि जहाँ पर शौचालय नहीं है या आवश्यकता है वार्डों में कम्युनिटी शौचालय हों या सार्वजनिक शौचालय हों, तो ये निर्णय हुआ कि संबंधित वार्ड पार्षद जो है वो अपने वार्ड में जगह बताएगा और अगर वहाँ ज़रूरत है तो शौचालय का निर्माण किया जाएगा, चाहे वो सामुदायिक हों चाहे वो आपके पब्लिक टॉयलेट्स हों। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे पार्किंग की बात की हुई, उसमें ये निर्णय हुआ कि पार्किंग जो जहाँ पर आजकल टैक्सियाँ खड़ी होती हैं इस जगह को पक्का किया जाए, इसकी प्रस्तावना जो है निदेशालय को डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट को भेजी जाएगी अप्रूवल के लिए। उसके बाद हमारे जो यहाँ पे पार्क जैसे ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन उसके लिए भी प्रपोजल जो है वो हम प्रस्तावना बनाकर जो है निदेशक महोदय को फंड्स के लिए भेजेंगे ताकि इसको जो है रेनोवेट किया जा सके। और ये भी संभावना तलाशेंगे कि जहाँ वार्डों में अगर जगह है और उचित लगता है कि पार्क का निर्माण होना है तो वहाँ पर पार्कों का भी व्यवस्था की जाएगी, जिसकी प्रस्तावना भी हम भेजेंगे। और ये निर्णय हुआ कि जो बाजार के लिए नोटिफिकेशन हुई थी कि कोई भी वाहन जो है वो जिसकी टाइमिंग की नोटिफिकेशन जो है उपायुक्त महोदय द्वारा की गई है उसको भी इम्प्लीमेंट करने का निर्णय लिया। शीघ्र ही जो है जहाँ पर भी इनके बैरिकेड लगने हैं वो जो है उनको लगाया जाएगा। इस संदर्भ में पुलिस प्रभारी जी को भी कल बुलाया गया था तो इस कार्य को भी शीघ्र ही जो है नगर परिषद इम्प्लीमेंट करेगी। बैठक में सभी द्वारा ये निर्णय लिया गया कि एक अभी हम स्थान चिन्हित करेंगे कि जो लोकल वेजिटेबल ग्रोअर्स हैं वो उनको जगह दी जाए, उसमें किसी के लिए ना रेडी खड़ी कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं लगाएगा, सिर्फ अपने टोकरी में या किसी चीज़ में सामान लाता है सुबह रखे शाम को ले जाए, वो जगह खाली रहेगी वो किसी को लॉट में दी जाएगी। इस स्थान को भी हम चिन्हित करेंगे। इसके अतिरिक्त जो ये भी निर्णय हुआ कि अगर कोई बेनिफिशियरी प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर कोई रह जाए लाभार्थी जिसको अभी लाभ नहीं मिला या किसी कारणवश छूट गया है तो उसके लिए भी सभी पार्षदों से हमने प्रार्थना की है कि आप लोग जो है अपने वार्डों में देखें कि कोई ऐसा व्यक्ति ना छूट जाए कि जिसको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ना मिले, तो उनके नाम हमें दें ताकि उसकी प्रस्तावना बनाकर हम निदेशक महोदय शहरी विकास को भेजें।